Assalamualaikum, आज हम करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन. इज मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक एंड लॉन्ग क्वेश्चन के लिए ये एनारोबिक रेस्पिरेशन की डेफिनेशन हमने कल की थी. इसका मतलब था कि इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, के वो जानदार जो कि इनसे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में अपनी एनर्जी हासिल करते हैं उसको कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन. आज हम करेंगे वो एनारोबिक, इसकी अहमियत क्या है, जब जिंदगी लाइफ स्टार्ट हुई थी, लाइफ स्टार्ट ऑन अर्थ, तब ऑक्सीजन नहीं थी. जब जिंदगी जमीन पर स्टार्ट हुई थी उस वक्त ऑक्सीजन नहीं थी, एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन. जब दुनिया पर जिंदगी स्टार्ट हुई उस वक्त दुनिया पर ऑक्सीजन थी ही नहीं. इसका मतलब ये हुआ कि उस वक्त जो जानदार थे वो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन यानी कि एनारोबिक के जरिए अपनी एनर्जी हासिल करते थे अपनी जरूरी उसे अपने कंडीशन में रहने के लिए, हालात के मुताबिक अपने आप को जो बरकरार रखने के लिए वो एनारोबिक रेस्पिरेशन से एनर्जी हासिल करते थे. इवन कि आज तक अगर ऑक्सीजन है और जो है ना आजादाना ऑक्सीजन प्रेजेंट है, मैं कहती हूँ आजादाना ऑक्सीजन प्रेजेंट है, मौजूद है, इसके बावजूद भी ऐसे कई ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में काम करते हैं, जैसा कि बैक्टीरिया और फंजाई और इसकी कुछ टाइप्स ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि आज भी दुनिया पर आज ऑक्सीजन है लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जो आज भी एनारोबिक रेस्पिरेशन से अपनी एनर्जी हासिल करते हैं, मसलन बैक्टीरिया और फंजाई. और हम ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कहेंगे एनारोब, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम एनारोब कहेंगे. और जबकि आज भी ह्यूमन और दूसरे जितने भी फंजाई अदर अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी ऑर्गेनिजम्स हो गए हैं तो एनारोबिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स ये अपने स्केलेटन मसल्स के लिए एनारोबिक रेस्पिरेशन यूज करते हैं. जब हम वर्जिश करते हैं उस वक्त हम एनारोबिक रेस्पिरेशन की हमें ज़रूरत होती है. और साइंटिस्ट ने क्या किया है, आज साइंटिस्ट एनारोबिक रेस्पिरेशन को कहाँ कहाँ यूज कर रहे हैं ये कहते हैं. साइंटिस्ट ने इसको यूज़ किया है तीन तरह की ऐसी चीज़ें हैं जो साइंटिस्ट यूज़ करते हैं. साइंटिस्ट बैक्टीरिया फंजाई की फर्मेंटेशन की स्लाइड के इंसान के फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं. मसलन बैक्टीरिया फर्मेंटेशन की जो बैक्टीरिया है, क्योंकि बैक्टीरिया होता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन यानी कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में, तो बैक्टीरिया यूज कर रहे हैं चीज़ बनाने में. उसके बाद ईस्ट को ये यूज़ कर रहे हैं यानी खमीर को यूज़ कर रहे हैं वाइन यानी शराब बनाने के लिए और बेकरी का सामान बनाने के लिए. नेक्स्ट है एक फंजाई है, फंजाई का नाम है एस्परगिलस, फंजाई की टाइप है एस्परगिलस. इसकी फर्मेंटेशन होती है क्या बनाने के लिए, सोया सॉस, सोया सॉस बनाने के लिए इस्तेमाल होती है. ये था यूज होती है बेकिंग इंडस्ट्री के लिए, वाइन और बेकिंग इंडस्ट्री के लिए. और ये सोया सॉस ये थी इम्पोर्टेंस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और पेपर में ही लाजमी आता है.